प्रणाम। हम अपने सबके समक्ष आए डॉक्टर जनक किशोर दास द्वारा लिखित मैथिली गीता के 17वें अध्याय के सार संक्षेप संगे प्रस्तुत छी। एहि अध्याय के नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग देलखिन अछि और एहि के शुरुआत एकटा कथन से छै जे डब्ल्यू होअर जे जर्मन धर्मक भाष्यकार छै तिनका द्वारा छै। ओ कहि रहल छथिन गीता अनश्वर महत्वक ग्रंथ अछि, ई गंभीर अंतर्दृष्टि ने प्रदान करे जे सब काल में धार्मिक जीवन हेतु प्रमाणिक अछि, अपितु ई हमरा सबके भारतीय जर्मन धर्मक मूल प्रकृति आ ओकर आधारभूत विशेषताक संबंध में सेहो मार्गदर्शन करबै छै। एहि अध्याय में साधक के अपन क्रियाकलाप व दैनिक जीवनचर्या कोन तरह चलेबाक चाही ताहि पर प्रकाश देल गेल अछि। अर्जुन पूछै छथिन जे व्यक्ति शास्त्र विधि छोड़ श्रद्धापूर्वक यज्ञ करैत छथि हुनक निष्ठा वा मोनक स्थिति कोन तरहक होइ छै। भगवान उत्तर देल जे श्रद्धा तीन प्रकारक होइ छै, सात्विक, राजसी आ तामसी। सात्विक मनुष्य ईश्वर के, राक्षसी यज्ञ राक्षस के और तामसी भूत प्रेत के भजैत छथि। वास्तव में श्रद्धा स्वभावजन्य होइ छै, एकर पता आहार यज्ञ दान तप से लागत जे तीन प्रकारक होइ छै, सात्विकी राजसी आ तामसी। जाहि आहार से आयु निर्मलता आरोग्य आ सुख बढ़े ओकरा सात्विक आहार मानक चाही। जे आहार बेसी झसगर खट्टा गरम होइ छै ओ राजसी आहार भेल आ जे बायस गंधयुक्त ऐंठ वा अपवित्र हो ओकरा तामसी आहार मानक चाही। जाहि यज्ञ में फलक इच्छा नहि हो जे कर्तव्य रूप में पूर्ण मनोयोग से कयल जाय ओ सात्विक भेल। जाहि यज्ञ में फलक आशा हो आ अहंकार वश कयल जायत हो ओ राजसी भेल। जे यज्ञ अवधिपूर्वक बिना मंत्र बिना दक्षिणा बिना श्रद्धा के बिना अन्नदान के कयल जाय से तामसी यज्ञ भेल। संत लोकनिक पूजा पवित्रता ब्रह्मचर्य अहिंसा ई शारीरिक तप भेल। सत्य प्रिय वचन वाचिक तप भेल। मनक प्रसन्नता संयम मौन रहनाय आदि मानसिक तप भेल। निष्काम भाव से कैल तप सात्विक, फलाशा युक्त तप राजसी आ जे तप शरीर के कष्ट द कऽ दोसराक अहित हेतु दुराग्रह पूर्वक कैल जाय ओ तामसी तप भेल। कर्तव्य बुद्धि से देल गेल बिना फलेक्षा के काल पात्र देख के देल गेल दान सात्विक भेल। जाहि दान में किछु बदला में प्राप्त करबाक भाव हो ओ राजसी दान भेल आ तिरस्कारक भाव से बिना देश काल पात्रक विचार कयने देल दान तामसी भेल। वेद में ओम तत् सत् ब्रह्मक वर्णन में आयल अछि, ओम के अर्थ भेल छथि, काल्हियो छला आइयो छथि और काल्हियो रहता। ओ स्थिर छथि, ओ कायम छथि, सृष्टि कायम अछि, साधना हेतु साधक तैयार छथि, ई भावना रहक चाही। सत के अर्थ शुभ मंगल, परमेश्वर मंगलमय छथि, ई भाव रहक चाही। तत् के अर्थ ओ अर्थात परमात्मा सृष्टि से भिन्न सृष्टि से अलिप्त छथि। एहि तरहें ओम तत् सत वैदिक नाम लअ कऽ अपन सब क्रिया करक चाही। ब्रह्म एक छथि, इह सत्य अछि, इह कल्याणकारक अछि। एहि भावना से साधक के सब कर्म ईश्वरार्पण कय देबाक चाही। मुदा जे क्रिया बिना ईश्वरार्पण बुद्धि से कयल जाय ओ बिना श्रद्धा के मानल जाय ओ असत अछि। सारांश जे सृष्टि समाज और शरीर एहि तीन संस्था से हम सब जे कार्य लैत छियै एकरा से जे लाभ लैत छियै ओकरा क्षतिपूर्ति हेतु यज्ञ दान आ तप के विधान अछि। सृष्टिक बसात जल भूमि से हम सब बहुत किछु पबैत छी, एक प्रकारे ओकरे भरपाई यज्ञ द्वारा कयल जाय छै। ओहि तरहें
परिवार समाज सँ हमसब बहुत किछु पबैत छी, नित्यदिन ओकरासँ पबैत छी। ओहि ऋण केर भुगतान हेतु दानक व्यवस्था अछि। एहि शरीरसँ बहुत किछु काज लैत छियैक, तैँ ओकर छिजन केर पूर्ति हेतु तप केर विधान अछि। ई तीनू निष्काम भावसँ कयल जाय, एहि तीनू कार्यके ईश्वरपन बुद्धिसँ कयल जाय। एहि भावसँ यज्ञ दान तप भिन्न रहितो अभिन्न भऽ जाइत अछि। प्रणाम, धन्यवाद।